या महाकाल की धरती उज्जैन है। उज्जैन में इस समय सावन का महीना जिस तरीके से समाप्त हो, लेकिन आप देख सकते हैं भीड़ चारों तरफ है और यहाँ पर आके शिप्रा के घाट पे स्नान किया जाता है। शिप्रा नदी की मान्यता ऐसी है कि शिप्रा नदी में जो भी नहाता है इस गली को उसके पाप कार्य हो जाते हैं। यहाँ का प्रशासन काफी अच्छी व्यवस्था की है, जगह जगह पुलिस भी लगी है और पीछे आप देख सकते हैं इधर से मंदिर जाते हैं श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ आए हुए हैं और काफी अच्छी संख्या है। सौन में और भीड़ है, देखो यहाँ स्नान करते हैं, उधर भी पुल है और जगह जगह पे मंदिर है और यहाँ पे आपको घाट की साफ सफाई देख सकते हैं, बहुत अच्छे से घाट की सफाई की गई है जिससे आए हुए श्रद्धालु को किसी तरह का परेशानी हो। और शिप्रा जी इस समय उफान पे भारत में नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है और इस उज्जैन महाकाल की धरती पे इस शिप्रा नदी का बहुत ही महत्व है। वो सब गाना इनका उनका वही है माला वही है मन का मस्त मलंग वो अपनी धुन का अंतर मंतर दस्तर ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी मृत्युंजय है महाविनाशी ओंकार है इसी की वाणी दूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता स्पीकर भी अडिग अमर है महादेव रहा है जत्ता वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा है हम इस समय उज्जैन में, उज्जैन में माँ सिद्धि देवी मंदिर है, ये आरती की तैयारी हो रही है, पूरे ऊपर तक दीपक लगाए गए हैं, आरती के भव्य मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता है 51 शक्ति पीठों में से एक है, राजवीर विक्रमादित्य और बहुत ही भव्य मंदिर और उससे बड़ी यहाँ की भव्य तरीके से आरती होती है। साथ में हमारे इस तरफ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ महामाया अखंड ज्योति जो यहाँ लोग आते हैं इसे दर्शन करते हैं। यहाँ इस तरफ से आप देख सकते हैं इस आरती के लिए किस तरीके से भीड़ उमड़ी है, तो श्रद्धालु आए और गणेश जी की आरती हो गई। गणेश जी की आरती के बाद अब माँ हर सिद्धि देवी के आरती होंगी, ऐसे दो तरीके से हैं। जटाग्र विगल जलम प्रवाह भावितस्कले गले बलम बलम विताम्बुजम गतुंग मालिका डमक 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 बिना डमरवय जकार चंड तांडवम नमो सुव शिव शिवम शिव शिवम सबके अंदर शिव जी सत्य है शिव जी सुंदर।
शिव जी सबके अंदर जटा बीच में गंग विराजे हाथ में टम टम कम रूपाजे शिव शिव गाए दुनिया सारी शिव की महिमा सबसे नारी ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मुख्य मंदिर नर्मदा आरती स्थल कोट स्थल ये सारे साइन बोर्ड आपको मिल जाएंगे। आपको नर्मदा पुल के ऊपर से जाना पड़ेगा। दोनों ज्योतिर्लिंग उसी पार मानी जाती हैं है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यही है। कितने शानदार तरीके से बनाए गए नर्मदा। अब देखो पार नर्मदा पर जो बना कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत नजारा है। मैं उस बांध को भी दिखाना चाहूँगा। और ये पूरा नर्मदा नदी है और ऊपर आप देख सकते हैं शिव जी सुंदर शिव जी शिव जी सबके अंदर कालेश्वर मिश्र में बहुत ही तेज से बारिश हो रही है। नीचे नर्मदा नदी बह रही है, उनकी धाराएं आप देख सकते हैं, उनकी लहरें देख सकते हैं किस तरीके से कितनी। उधर ममलेश्वर है, इधर मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ ओमकालेश्वर है। बहुत ही तेज बारिश हो रही है इस समय। यहाँ का अद्भुत नज़ारा प्रकृति को मोहित कर देने वाला और अच्छा मौसम है। बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मानी जाती है। यहाँ से बहुत ही शांत, आप देख सकते हैं लहरें देख सकते हैं कितनी तेजी से चल रही। माँ नर्मदा नदी आप देख सकते हैं, यहाँ के एमपी के सत्ता पे काबिज लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय ने नर्मदा यात्रा निकाली थी। मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदियों में से एक है नर्मदा। हिंदुस्तान में माँ का दर्जा दिया जाता है। और ऊपर हैं आप सामने से देख रहे हैं, वहाँ है ओंकारेश्वर जी और उधर है बम्बलेश्वर जी। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है।